टेक्सास लॉन्गहॉर्न काउ। ये जो काउ है इसका सिंग इतना बड़ा होता है, वाओ, आप देख के अंदाजा लगा सकते हो। इसका सिंग करीबन 10 फीट के बराबर है और ये पूरी दुनिया में सबसे लंबा हॉर्न होने का खिताब इसी गाय के नाम पर है। जितने भी देश है पूरी दुनिया में पहले सब एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए थे, लेकिन समय के चलते हर देश का पोजीशन बदलता गया और आज दुनिया कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखने लगी है अफ्रीका के इथियोपिया में। साल 2005 से इथियोपिया में एक ऐसा क्रैक बन रहा है कि ये क्रैक बढ़ता ही जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये दरार 60 किलोमीटर तक फैल चुका है और इस दरार पर जब रिसर्चर्स ने रिसर्च किया तो उनको ये पता लगा कि अफ्रीका में एक नया सागर यानी एक नई ओशन बनने जा रहा है आने वाले भविष्य में, और शायद अफ्रीका दो भाग में बट जाएगा। जैसे हर कोई बदलता है अपना रंग रूप, वैसे ही नेचर भी अपना रंग रूप बदलता है। सो दैट इज द केस हियर। सोलर हालो, इसका मतलब क्या होता है, क्या आप इसके बारे में पहले कभी सुने हो? सोलर हालो कुछ ऐसा दिखता है और इसके होने के पीछे जो वजह है वो है आइस के पार्टिकल्स यानी आइस के क्रिस्टल्स जो वायुमंडल में मौजूद होते हैं। जब सूरज की रोशनी इससे टकराती है तब किसी भी रैंडम ज्योमेट्रिक आकार बनने लगती है जो वाकई में बहुत ही अमेजिंग होता है। सोलर हालो के ये कुछ मल्टीपल पिक्स है जिसे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। बीज जो हम देखते हैं अपने आम जिंदगी में, जितने भी बीजेस एग्जिस्ट करती हैं इस धरती पर, सब ऐसे होते हैं नॉर्मली देखा जाए तो, मतलब छोटे छोटे एंड कुछ मीडियम साइज के होते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा बीज है तो वो कौन सा बीज है? ये है दुनिया का सबसे बड़ा बीज, इसे लुडोसिया माल्डिविका कहते हैं, जो एक पाम ट्री का बीज है एंड ये सरप्राइजिंगली काफी बड़े होते हैं। WWE के सबसे चहेते स्टार में से एक है द रॉक, जिन्हें ड्वेन जॉनसन के नाम से भी हर कोई जानता है। लेकिन ये बात शायद ही कोई जानता होगा कि ड्वेन जॉनसन के लगभग हर मूवीज में जितने भी एक्शन सीन्स के स्टंट्स होते हैं इसको लिटरली निभाते हैं इनके कोजिन टैनोई रीड। लगभग 17 साल से टैनोई रीड ड्वेन जॉनसन के लिए स्टंट सीन्स देते आ रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बिल हेस्ट नाम का ये आदमी जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसने 172 स्नेक वेनम्स को लिटरली अपने बॉडी में इंजेक्ट कर चुका था और ये सिलसिला कुछ सालों तक चल रहा था। और ऐसा करते करते इस आदमी ने अपनी शरीर की इम्यूनिटी को एक ऐसे लेवल तक ले गया कि अगर कोई भी सांप इनको काटता तो उसका जहर इन पर कुछ असर नहीं करता था। ऐसी पावरफुल इम्यूनिटी बना ली थी बिल हेस्ट ने। आपको ये भी बता दूं, इन्होंने दूसरे लोगों की भी बहुत मदद की जिनको जहरीले सांप ने ऑलरेडी काट चुका था। बिल हेस्ट स्नेक विक्टिम्स को बचाने के लिए अपना ही खून डोनेट करते थे क्योंकि इनका ब्लड सांप के जहर को न्यूट्रलाइज कर देता था, जिसके चलते सांप के शिकार हुए लोगों की जान बच जाती थी। और ये भी हैरानी की बात है कि बिल हेस्ट 100 साल तक जीवित रहे। इलेक्ट्रिक शॉक कितना डेंजरस होता है, इससे एक इंसान कुछ ही सेकंड्स में मर सकता है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लाइन को कट करने की भी नौकरी होती है। इस काम को करने के लिए मजबूत जिगरा होना मैंडेटरी होता है। आप खुद देख सकते हो कि एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लाइन को कट करते वक्त कितना ज्यादा स्पार्क होता है। ये नजारा बहुत ही स्कैरी होती है। इट्स रियली अ टफ जॉब टू डू। अभी मैं आपको एक ऑसम इमेज दिखाऊंगा। ये है वो इमेज जिसकी मैं बात कर रहा था। ये एक पहाड़ी इलाके का सीन है और ये पहाड़ी रास्ता बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि आप देख सकते हो इसमें कई सारे टर्न यानी मोड़ मौजूद है। इसमें 70 हेयरपिन बैंड की शार्प टर्न्स मौजूद है जिससे इस पहाड़ी रास्ते का लुक बहुत ही ऑसम लगता है जब इसे एरियल व्यू से देखा जाए। और ये इलाका किसी और देश की नहीं बल्कि ये हमारी इंडिया की ही है। ये जगह तमिलनाडु में मौजूद कुल्लू हिल्स का नजारा है। रशियन मिलिट्री ने एक ऐसा पत्थर बनाया है जिसे स्पाई रॉक भी कहते हैं। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट से बनी है ये स्पाई रॉक। इसे बनाने का जो असली मकसद है वो ये है कि स्पाई रॉक में एक छोटा सा कैमरा छुपा होता है जो दुश्मनों को टारगेट करता है और उन पर निगरानी रखता है। ये पत्थर मूवेबल भी है यानी इसमें छोटे छोटे व्हील्स लगे हैं जिसकी मदद से ये स्पाई रॉक एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकता है और सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है उनके आर्मी यूनिट को। दैट्स रियली गजब। वीडियो को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना।